धनबाद लोकसभा सीट से इंडिया गठबंधन की प्रत्याशी अनुपमा सिंह ने झरिया कोयलांचल के विभिन्न क्षेत्रों में जनसंपर्क अभियान चलाया। जनसंपर्क के दौरान कहा कि क्षेत्र में भय और आतंक को खत्म करने के साथ धनबाद लोकसभा क्षेत्र के लिए कल्याणकारी कार्यों को धरातल पर उतारना व विकास संबंधित कार्यों को करना पहली प्राथमिकता होगी। उन्होंने कतरास मोड़ में मजदूर नेता स्वय सूर्यदेव सिंह की प्रतिमा पर माल्यार्पण किया। उसके बाद कतरास मोड़ स्थित झरिया विधायक पूर्णिमा नीरज सिंह के कार्यालय में पूर्व डिप्टी मेयर नीरज सिंह की तस्वीर पर माल्यार्पण किया। झरिया के यादव ट्रांसपोर्ट में लोकसभा प्रत्याशी अनुपमा सिंह का स्वागत किया। इस दौरान कार्यकर्ताओं ने गुलदस्ता भेंट कर स्वागत किया। इस दौरान प्रत्याशी अनुपमा सिंह जनता से एक महीना का साथ मांगा है और कहा कि घर घर जाकर कांग्रेस के पक्ष मतदान करने की अपील लोगों से करें। आपका आशीर्वाद मिला तो बदले में 5 वर्ष आप सबों के लिए मेहनत करूंगी। आपकी आकांक्षा पर पूरी तरह से खरी उतरने का प्रयास करूंगी। धनबाद की जनता ढुल्लू महतो को कभी भी पसंद नहीं करती है। यहाँ आतंक का राज कायम करना जनता भी नहीं चाहती है। हमारी सरकार बनी तो तेजी से विकास होगा। स्वागत के दौरान विक्रमा यादव, संतोष सिंह सहित अन्य नेताओं ने अपने उद्गार व्यक्त करते हुए कहा कि हमारे बीच इंडिया प्रत्याशी अनुपमा सिंह पढ़ी लिखी स्वच्छ छवि के साथ ही जनता की बातों को समझना वाली प्रत्याशी है। हाथ छाप के बटन दबाकर भारी मतों से प्रत्याशी को जीता कर संसद भेजने काम करें। मोबाइल की तरफ आकर्षित होकर उन्हें लग रहा है दुनिया जो है सिर्फ मोबाइल में ही है। मोबाइल से आगे निकलना होगा और हमें सब लोगों को समझाना होगा कि मोबाइल ये दुनिया नहीं है, जो दिख रहा है वही है। जो हमें अखबारों में पढ़ने के लिए आता है वही दुनिया है। ये न्यूज में जो मसाला, क्योंकि मसाला इन लोगों को दिखा रहा है, टीआरपी बढ़ाना है, ये देखिए वो देखिए, ये दुनिया नहीं है। ये तो मसाला से इतना न्यूज दिखेगा, लेकिन हमें, क्योंकि हम यहाँ की जांच बनकर दिल्ली जाऊंगी और आपकी आवाज बनूंगी। अनुपमा सिंह झरिया का दिल दिल मर रहे हैं, उसके संबंध में मैडम अनुपमा सिंह जी को हम बताना चाहते हैं कि झरिया के जनता प्रदूषण से जितना बीसीसीएल यहाँ से खनिज संपदा निकाल कर करके अपना पेट भर रहा, और केंद्र सरकार के का देश यहाँ के कोयला के खनिज खदानों के पैसे से देश जगमगा रहा, लेकिन झरिया के लोग पानी बिजली और प्रदूषण के लिए त्राहिमाम कर रहे हैं। जिंदाबाद जिंदाबाद अनुपमा सिंह जी, जिंदाबाद जिंदाबाद।